आप देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के छोटी खाटू से है, जहां सेवा भारती छोटी खाटू के तत्वावधान में आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण तीसरे चरण में किया गया। खाटू खंड कार्यवाहक आत्म प्रकाश सेन ने बताया कि सेवा भारती छोटी खाटू द्वारा इस बार 1800 आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया और पहले हमने 150, फिर 700 और अब 1800। इस प्रकार 2600 पैकेट संपूर्ण छोटी खाटू में वितरण किया गया। संपूर्ण काढ़ा पूर्व सरपंच स्वर्गीय श्री चैनसुंग सारडा की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी, उनके पुत्र कैलाश, सुनील, श्री प्रकाश सारडा परिवार ने निःशुल्क उपलब्ध कराया। इस अभियान में विशेष पंचायत समिति सदस्य श्री प्रकाश सारडा का सहयोग रहा। ये काढ़ा कोरोना से लड़ने की शक्ति व रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इस दौरान श्री भगवान टाक, अमित जोशी, जगदीश सिंह राजपुरोहित, मनमोहन सिंह चौधरी, चेनाराम, जितेंद्र, पिंटू, अनिल, ऋषि, प्रकाश, विष्णु, पवन जोशी, मधु सारडा, गौरव सारडा सहित सेवा भारती के सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। छोटी काटू से गौतम सोनी की विशेष रिपोर्ट। सेवा भारती छोटी काटू के तत्वाधान में जो काढ़ा वितरण प्रोग्राम चल रहा है उसका ये तीसरा चरण है। पहले चरण में हमने 150 काढ़े के पैकेट बांटे, वो संक्रमित परिवारों को बांटे थे। उसके बाद में 700 पैकेट का वितरण किया और शेष छोटी काटू में आज हम 1800 पैकेट का वितरण करने जा रहे हैं। ये सारा काढ़ा हमें श्री प्रकाश जी सारडा जो पंचायत समिति सदस्य है उनकी तरफ से उपलब्ध कराया गया है और नागौर कुचामण विभाग से काढ़ा खरीदा गया था।